सीबीएम और पीजीएसएस के तत्वावधान में महानगर के एक निजी कार्यक्रम में दिव्यांगजनों को जागरूक करने के लिए आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला का मंगलवार को समापन हो गया। सीबीएम ने दिव्यांगों को उनके लिए सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों एवं सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में दिव्यांग और सीबीएम व पीजीएसएस और भारतीय विकलांग संस्था के पदाधिकारी मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीबीएम के सदस्य उमेश जय प्रकाश बोराई ने बताया। आ जाओ सभी। हमारा कलर ऐसा है कि वो 10 बार बोलने से जगह एक में आता है। जी देखते हैं बैटरी खाली होगा या मेरा नाम जो है उमेश जयप्रकाश बोड़ाई है। मैं सीबीएम नामक संस्था में कार्यरत हूँ। सीबीएम एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका कार्य है कि विकलांग लोगों के, दिव्यांग लोगों के अधिकारों के बारे में सचेत करना और उनको अधिकारों के बारे में ज्ञान देना और उनको अधिकारों को इम्प्लीमेंट कराने में मदद करना। आज हमने दो दिन की कार्यशाला की गोरखपुर में। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो होती हैं वो विकलांग लोगों के अधिकारों के विषय में कार्य करती हैं, तो उसके लिए एक पद्धति होती है। वो पद्धति का नाम है कम्युनिटी बेस्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, जिसे कहते हैं CBID। इसमें जो मुख्य कार्य ये होता है कि जितनी भी सरकार की स्कीमें हैं वो स्कीमों के बारे में विकलांग को जानकारी दी जाती है और उनकी क्षमता का वर्धन किया जाता है कि वो उन स्कीमों को ले सकें। अब स्कीमें देती कौन है? पंचायतें देती हैं, प्रशासन देता है। तो हम प्रशासन और विकलांग लोग जिनका जो संगठन के माध्यम से काम करते हैं, जिसे कहते हैं DPO, उनके बीच में एक सामंजस्य बिठाते हैं और वो फिर अपनी स्कीमों को लेते हैं। अब इस दो वर्षीय कार्यशाला में किस प्रकार से उसकी एफिशिएंसी बढ़ाई जा सके सामंजस्य बिठाने की प्रशासन के साथ, और इस वर्कशॉप में हिंदुस्तान के 18 राज्यों से तकरीबन 60 लोग आए हुए हैं जो दो दिवसीय कार्यशाला में गोरखपुर में इस पर चिंतन कर रहे हैं और अपना अपना एक्सपीरियंस डिफरेंट स्टेट्स में क्या हुआ है प्रशासन से काम करते हुए, या नई नई तकनीक उन्होंने निर्माण किए जिससे उनकी जीवन की गुणवत्ता बढ़ सके, इस विषय में इन्होंने ये चर्चा कर रहे हैं, एक दूसरे से शेयरिंग कर रहे हैं कि क्या अच्छा था वहाँ पर, क्या बुरा था और कैसे वो अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, अपनी गुणवत्ता, अपनी ज़िंदगी की गुणवत्ता को सुधार रहे हैं। तो ये कार्यशाला को जो संचालक है वो मिस्टर जॉग है। जॉग जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक विशेषज्ञ हैं जो नेपाल में भी रह चुके हैं, वो हिंदी भी जानते हैं और वो विश्व की तकरीबन 70 देशों में रह चुके हैं और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में वो पढ़ा भी चुके हैं और पढ़ाते भी हैं, कई विश्वविद्यालयों में वो पढ़ाते भी हैं। तो इन सभी लोगों का एक प्रकार से ये एक चिंतन हो रहा है और इस चिंतन के माध्यम से हम समझ पाते हैं कि क्या हम नया कर पा रहे हैं और प्रशासन का और दूसरी चीज़ों का रुख क्या है। तो लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो भी सरकार रही हो, सभी सरकारें खासकर दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति बड़ी सचेत है, प्रशासन बड़ा सचेत है और प्रशासन पूर्ण रूपेण से मदद करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो मनरेगा की स्कीम हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की स्कीम हो, चाहे प्रधानमंत्री आरोग्य योजना हो, चाहे उज्ज्वला की योजना हो, चाहे बिजली की वस्तु हो, चाहे सड़क बनाने का मसला हो, चाहे टॉयलेट का मसला हो, हर जगह से प्रशासन ये कोशिश जरूर कर रहा है किस तरीके से हम विकलांग लोगों को मुख्य धारा में ला सकें। अब ये मुख्य धारा में लाने के लिए प्रशासन का काम ही चलेगा, अब इनको खुद भी कुछ प्रयास करना पड़ेगा। तो ये प्रयास करने के लिए अपने क्षेत्र में एक DPO बनाते हैं, उसको कहते हैं डिसेबल पीपल ऑर्गेनाइजेशन, और प्रशासन के साथ विभिन्न विभिन्न योजनाओं में भाग लेते हैं। वो खासकर कृषि की हो सकती है, वो डेयरी की हो सकती है, वो गोटरी की हो सकती है, पोल्ट्री की हो सकती है, कुछ इस प्रकार से। तो ये बहुत अच्छी कोशिश हो रही है और मुख्य धारा में विकलांगों को लेके आ रहे हैं। कोई इनको देगा नहीं, देगा तो प्रशासन ही, क्योंकि प्रशासन ही सबसे बड़ी वेलफेयर होता है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये इनके अधिकार हैं और वो प्रशासन को इनके अधिकार देने पड़ेंगे। लेकिन जब ये अपने अधिकार लेते हैं तो कन्वर्जेंस, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, उसमें लड़ना झगड़ना कुछ नहीं है, प्रशासन से बात करनी है, प्रशासन को समझानी है अपनी बाधाओं को और उन बाधाओं को दूर करना, और ये कैसे हो सके कि प्रशासन साथ मिलकर हम काम कर सकें और प्रशासन को और इन्वॉल्व करें अपनी योजनाओं में, ये इस विषय पर चर्चा थी गोरखपुर की। ये हर साल होती है, इस साल गोरखपुर को चुना गया और पूर्वांचल ग्रामीण सेवा संस्था जो यहाँ का हमारा लोकल है वो इसमें शामिल था। इसके अलावा इन DPOs का, इन विकलांगों का एक संगठन जिसको कहते हैं भारतीय विकलांग जन फोरम, वो भी शामिल था इसके अंदर। इसके अंदर 2 से 2.5 लाख लोग हैं भारतीय विकलांग जन फोरम में, और इन सब ने चर्चा की और इस पेपर को बना के भारत सरकार को देंगे कि भाई हमारी ये तकलीफें अब भी बची हैं, इसको दूर कीजिए और अगर आपको दूर करने में मदद चाहिए तो हम आपकी पूर्ण मदद करने को तैयार हैं।